गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 12th ऑफ अक्टूबर 2022। मार्केट इज वेटिंग फॉर यूएस सीपीआई डेटा ड्यू ऑन 13th ऑफ अक्टूबर। उसके वजह से काफी कुछ एक्टिविटीज चल रहा है ऑन ऑल द करेंसी पेयर्स। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या किधर किधर क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। डॉलर इंडेक्स अभी है 113.21। जैसे कि हमारा एनालिसिस है, ये जो अभी जो एक हाई बनाने वाले हैं, वो हाई क्या पहले वाले हाई को ब्रेक कर पाएगा या फेल टू ब्रेक, दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चंस जो हमें देखना है। और इम्पोर्टेंट है यूएस सीपीआई डेटा और ड्यू ऑन 13th ऑफ अक्टूबर। सो यहाँ पे क्या टाइप का मूव हो रहा है, क्या एक ही दिन में मीन्स ऑन 13th इटसेल्फ ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा यहाँ पे, या डाटा थोड़ा सा बेटर आएगा तो यहीं से ड्रॉप करना चालू करेगा, वो हमें देखने वाला बात है। एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच टिल 13th ऑफ अक्टूबर सीपीआई डाटा। डॉलर रुपी दो दिन में थोड़ा सा सेल ऑफ दिखा गया और अभी ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर भी जो कंसोलिडेशंस है वो कंसोलिडेशंस के बाद हमें थोड़ा केयरफुली वॉच करना है एंड अगेन कल के यूएस सीपीआई डेटा के ऊपर पूरा का पूरा नजर है कि कैसे डेटा आता है एंड क्या ये दोबारा एक फ्रेश लो रूपी में बनाते हैं या नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर में कल एक फ्रेश लो बनाया, रिसेंट मींस ये 5 दिन का सेल ऑफ के बाद कल का जो लो बनाया था वो है 1.0952। अभी थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिविटी, हल्का सा पॉजिटिविटी दिख रहा है, जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे ये जो RSI है यहाँ पे सपोर्ट लेके क्या ऊपर जाता है वो हमें देखने वाला बात है। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज रेंज शिफ्ट फ्रॉम ए बियरिश मोमेंटम। इन सच ए सिनेरियो जो बियरिशनेस है थोड़ा सा सबसाइड होने का एक्सपेक्टेशन है और बुलिशनेस के लिए हमें फिर हायर हाई हायर लो मींस सेटअप देखना पड़ेगा ऑन प्राइस सेक्शंस। जीबीपी आईएनआर में भी पिछले 5 दिन के सेल ऑफ के बाद फर्स्ट टाइम अभी एक हल्का सा ग्रीन कैंडल दिख रहा है और यहाँ पर भी ये एग्जैक्टली 40 में तो नहीं है लेकिन नियर बाय 40 at 43 में दिख रहा है, तो वही है रेंज शिफ्ट है या नहीं है हमें ये देखना पड़ेगा। इन सच ए सीनरी अगर रेंज शिफ्ट हो जाता है तो वी मे लुक फॉर बाइंग डिप्स। यूरो डॉलर में यहाँ पर भी सिमिलरली वही है, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं, यानी ये अगर सपोर्ट ले लेता है देन वी मे लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटीज। सो लेट्स सी हाउ इट इज बिहेविंग। यूरो आईएनआर में भी ये रेंज शिफ्ट वाला है नहीं क्योंकि काफी ऊपर है, ये करीबन 49-50 लेवल्स में है, तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा और यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रहा है या नहीं। डॉलर येन सोचने वाला बात है, ये आपका 22 सितंबर का हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी हमें देखना है कि बीओजे का एक्शन, बीओजे क्या करने वाला है वो हमें देखना पड़ेगा। ये हमें दो स्विंग हाई को जोड़ दिया है तो जस्ट टू सी कि वहां तक प्राइस जाता है या नहीं जाता है, तो येन में क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। इस किसी भी मोमेंट में बीओजे इंटरवीन कर सकता है लेकिन हमें वही इंतजार रहेगा, करेगा नहीं करेगा, कब करेगा कब नहीं करेगा, ऑल दिस थिंग्स। येन आईएनआर में भी अकॉर्डिंगली अगर इंटरवेंशन करता है, यहाँ पर भी देखो ये जो RSI डेली RSI है इट इज अप्रोचिंग 40, तो इस 40 के आसपास सपोर्ट लेके क्या ऊपर जाता है या नहीं जाता है वो भी हमें देखने वाला बात है। डॉलर कैंडी में आपका जो ये स्विंग हाई है, स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा है तो हमें 13 के लिए बेसिकली इंतजार रहेगा। ऑसी डॉलर में फ्रेश लो बनाया है, आज का जो फ्रेश लो बनाया वो है 6240, कल का जो फ्रेश लो था 6247 था। अभी हमें प्राइस यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ेगा, प्राइस एक्शंस एज ऑफ नाउ कोई बॉटमिंग आउट सिग्नल्स है नहीं तो बाइंग के लिए कुछ नजर में नहीं आ रहा है। ओनली थिंग इज दैट सीरीज ऑफ डाइवर्जेंसेस, दैट इज द ओनली थिंग, सीरीज ऑफ डाइवर्जेंस के बाद उसके बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन क्या है आपका, आई विल टेल यू
समथिंग लाइक दिस। ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ऊपर का, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, यानी ग्रीन कैंडल बना के, पॉजिटिव कैंडल बना के, देन एंड ओनली देन ये जो सीरीज ऑफ डाइवर्जेंस विल वर्क। डॉलर सीएनएच कल एक हाई बनाया था एट 7.1940, लेकिन क्लोजिंग में थोड़ा सा नीचे आया। आज भी हल्का सा एक नेगेटिव कैंडल बनने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे तो आपका आउटसाइड इनसाइड वाला फॉर्मेशन क्लियर कट है। बॉलिंजर बैंड का एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड आउटसाइड इनसाइड, तो यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड का फॉर्मेशन आ रहा है। तो इन सच सिनेरियो क्या ये यहाँ तक आएगा दोबारा आपका 7.0102 के आसपास आएगा या नहीं आएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ इट इज बिहेविंग। ये यहाँ तक आता है या ऊपर का फोर के ऊपर की तरफ जाता है, वेट एंड वॉच मोड। यूके ऑयल जो स्पेशल था, पहला था कि आप देखो ये जो ट्रेंड चैनल है, ये ट्रेंड चैनल के ऊपर आपका 7th of October को क्लोज दिया था। देन 10th of October मंडे को ये एक नेगेटिव कैंडल बनाया। ये नेगेटिव कैंडल के बाद कल का अगर हमारा एनालिसिस देखोगे कि यहाँ पे हमें ये देखना था कि यहाँ पे सपोर्ट लेके, बिकॉज इट वॉज अर्लियर रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पे क्या सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाता है या नहीं, या ये आपका ये ट्रेंड चैनल के अंदर में आ जाता है। तो सेकेंड सिनेरियो आया एंड प्राइस जो है ट्रेंड चैनल के अंदर में आ चुका है। व्हाट इट मींस, ये जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स ब्रेकआउट है। दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि अगेन ये लोअर एंड ऑफ द चैनल की तरफ जाने का कोशिश करेगा, यानी इट विल ट्राई टू मूव डाउन टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द चैनल। पहले तो आपका 83-84, उसके बाद टुवर्ड्स मे बी 75। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस यही है कि इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस है, यानी प्राइस अगर दोबारा इसके हाई के ऊपर चला जाता है तो ये जो कैलकुलेशन है फॉल्स ब्रेकआउट वाला, ब्रेकआउट वाला जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें अभी देखना है कि ये लोअर एंड ऑफ द चैनल पे पहले ये जो स्विंग लो बनाया अभी रिसेंट स्विंग लो दैट इज 83-84 के आसपास, वहां तक आता है या नहीं, एंड नेक्स्ट टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द चैनल जाता है या नहीं जाता है, वहां पर हमें ऑब्जर्व या मॉनिटर करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में, बिकॉज यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है दैट इज द आपका 10th of October का हाई, 10th of October का हाई दैट इज द स्टॉप लॉस। उसके बाद 10-year US Treasury कल एक स्पिनिंग टॉप बनाया है इंडिसेशंस, बिकॉज जैसे जैसे CPI डेटा आ रहा है सो थोड़ा सा सभी को नर्वसनेस है क्या ये CPI डेटा खराब आएगा या बेटर देन एक्सपेक्टेड आएगा। यहाँ पर भी आपका एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन है ऑन बोलिंजर बैंड टर्म्स, दैट बीइंग द केस यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटीज अगर ये आउटसाइड इनसाइड का रिजल्ट देता है तो पहला रिजल्ट हो जाएगा 3.59, एंड यहाँ पे 3.59 पे आएगा तो फिर एक एम पैटर्न भी बना सकता है। इन सच ए सिनेरियो एम पैटर्न का जो टारगेट हो जाएगा, यानी 3.58 के आने के बाद आपका एम पैटर्न आएगा, एम पैटर्न का टारगेट जो होगा ये आएगा आपका 3.1920 के आसपास। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि अभी एक क्रूशियल मोड पे है। क्या क्रूशियल मोड पे है? ये जो 4.01 जो ऑल टाइम हाई बनाया था, रिसेंट हाई जो बनाया था उसके ऊपर सस्टेन ना करे। अगर सस्टेन कर गया डिपेंडिंग ऑन द CPI डेटा ऑन 13th of October दैट इज टुमारो इवनिंग, तो वो अगर और भी खराब आता है CPI डेटा तो ये 4 के ऊपर की तरफ चला जाने का हायर प्रोबेबिलिटी है। लेकिन थोड़ा सा भी बेटर देन एक्सपेक्टेड डेटा आता है देन वी मे एक्सपेक्ट सम सेल ऑफ इन US 10-year Treasury। तो ग्रेजुअली एक ये आने के लिए आपका 3.5758 आने के लिए पहले जो हर्डल्स होगा ये हर्डल से आपका ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट दिस। यहाँ पे आने के बाद ये एम पैटर्न का एक ट्रिगर हो सकता है एम पैटर्न का, व्हिच मे टेक इट टू 3.1920 के आसपास, 3.19 या 3.20 के आसपास एक्सपेक्टेशंस है। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, ओनली द प्रोबेबिलिटीज आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये 3.20 की तरफ आ जाएगा, नो,
ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये होगा तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये होगा तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, विशिंग ऑल ऑफ यू ए वेरी गुड डे।